गाइस आप लोग भी ढूंढ रहे हैं अंडर 40,000 के अंदर कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मैं बताऊं वीवो V30 Pro ही सबसे बेस्ट है। मैंने कई सारे R&D किए कई सारे फोन्स में, लाइक आपने भी बहुत ज़रा भी अभी ढूंढ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे भाई कौन सा 40K के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। लाइक पहला देखिए मोटो H50 Pro, इसका बहुत ज़्यादा हवाबाजी है। देखिए खाली हवाबाजी है और कुछ नहीं है, कैमरे वाले के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, कैमरे वाले के लिए जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हो, और स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वीडियोग्राफी में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है वीवो V30 Pro। आइए और चीज़ आगे बात करता हूँ। देखिए मोटो H50 Pro ये हो गया पहला, दूसरा रियलमी 12 Pro Plus एक ये, उसके बाद आता है वन प्लस का 12R, उसके बाद आता है नथिंग फोन 2, उसके बाद है वीवो V30 और वीवो V30 Pro। इन दोनों में से वीवो V30 Pro ही लीजिए क्योंकि इसमें ज़ाइस का सपोर्ट है, एक कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है आपको टेलीफोटो के लिए डेडिकेटेड, और दूसरी चीज़ इसमें कुछ चीज़ें अनलॉक भी मिलती है। अब देखिए सारी तो ये मेरी अपने मुँह से बोल रहा हूँ मैं बातें, आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा वीवो V30 Pro का, और बाकी आप कंपैरिजन और भी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कई सारे फ़ोन के साथ वीवो V30 Pro का, और कैमरा सैंपल और आपको वीडियो सैंपल्स भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कैसे काम कर रहा है। देखिए स्टेबलाइजेशन वीवो का अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से ही नोटिस करते आ रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, विकट है जिसे कहते हैं। 11,000 के अंदर मैंने एक वीवो U20 का फ़ोन लिया था, उसमें 1080p और 4K तक का भी सपोर्ट था, लेकिन 1080 पर इतना ज़बरदस्त स्टेबलाइजेशन था ना दोस्तों, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि 1080p में कैसा स्टेबलाइजेशन था। बस कुछ थोड़ा सी क्वालिटी वगैरह इशू था और थोड़ा सा स्पेस कम था, इसलिए मैंने उसको अपग्रेड किया, और मैं चाहता था अपग्रेड किसके साथ करूँ, वीवो के साथ, या मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट उस पर लग रहा था वीवो मोटो H50 Pro का सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था भाई उसी को लेना है, उसके चक्कर में बहुत वेट किया। देन उसके बाद वीवो V30 Pro ये भी बहुत ज़्यादा नाम में चल रहा था, तो वीवो V30 Pro और इसका कंपैरिजन भी देखा, तो कहीं ना कहीं सैंपल्स में मुझे डेफिनेटली उससे डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हुआ हूँ मोटो का H50 Pro से। तो काफ़ी R&D करने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा R&D कर लिए होंगे, और ये वाली वीडियो से आपको डेफिनेटली इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपको वीडियो सैंपल्स और इसके फोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ। इसमें स्लो मोशन 480 FPS तक जाता है 720 पिक्सल में, और 1080 में 240 तक जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। स्टेबलाइजेशन खास करके आप ध्यान दीजिएगा, स्टेबलाइजेशन कितना बढ़िया बेहतरीन काम करता है इसके अंदर। तो अब चलते हैं, अब सैंपल्स वगैरह देखते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम इसके अल्ट्रा वाइड जो लेंस है उस पर स्विच कर चुके हैं, और इसको देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी काम करती है। वीवो V30 Pro विद वॉइस आप सुन पा रहे हैं, ये इसका इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो किस प्रकार से काम करता है विद अल्ट्रा वाइड जूम, विद अल्ट्रा वाइड फ्रेमिंग के साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितने बढ़िया तरीके से स्टेबिलिटी इसमें आपको डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि मैं अल्ट्रा वाइड में हूँ अभी फिलहाल, और इसकी स्टेबलाइजेशन आप चेक कर पा रहे होंगे नॉइस कैंसिलेशन विद ऑडियो क्वालिटी के साथ। अब हम 1x पे चेक कर लेते हैं जो कि इसका प्राइमरी सेंसर है। ऑलराइट गाइस, अभी आप देख पा रहे होंगे ये 1x जो कि वीवो V30 Pro का प्राइमरी सेंसर है, इसकी कैमरे क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे 1080p विद 30 FPS विद इमेज स्टेबलाइजेशन विद नॉइस कैंसिलेशन विद वॉइस की क्वालिटी। तो कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं 1x जो कि इसका प्राइमरी सेंसर है उसको देख के, और आपके व्लॉगिंग के लिए क्या ये बेहतरीन हो सकता है आप जज कर पा रहे होंगे वीडियो देख के। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम 2x टेलीफोटो लेंस पे स्विच कर चुके हैं विद जाइस, और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो माइक की क्वालिटी, नॉइस रिडक्शन कैसे कर रहा है, और इमेज स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से काम कर रहा है, और आपके व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन है या नहीं, ये तीनों लेंस में कौन सा लेंस बेस्ट काम कर रहा है आप देख पा रहे होंगे। मैं कंटिन्यूसली चल रहा हूँ और चलते हुए दिखा रहा हूँ आपको रिजल्ट कि किस प्रकार से ये इमेज स्टेबलाइजेशन को बरकरार रख रहा है या नहीं। तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि किस प्रकार से काम कर रहा है। अब हम फ्रंट वाला जो कैमरा है उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है अभी फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरे में आप नॉइज़
वॉइस और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देख पा रहे होंगे कि इमेज स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से काम कर रहा है और नॉइस रिडक्शन जो है वो किस प्रकार से उसमें काम करता है। और अभी अब जो मैं करंट लोकेशन हूँ ना वो है नोएडा का 134 सेक्टर, और देख सकते हैं साथ में जेपी अपार्टमेंट्स काफ़ी जो ज़्यादा पॉपुलर है वो उस जगह मैं अभी हूँ करंटली लोकेटेड। और आप देख सकते हैं चलते फिरते एक ब्लॉगर्स के लिए कितना ज़्यादा खास मायने रखता है इमेज स्टेबलाइजेशन विद इमेज वीडियो की क्वालिटी और विद आपका नॉइस और वॉइस की क्वालिटी। तो अभी आप देख पा रहे हो जस्ट कि भाई नॉइस रिडक्शन कैसे किस प्रकार से काम करता है और ब्लॉगर्स के लिए खास है कि नहीं, उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं और इसको परचेज करने की सोच सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी ये ड्यूल व्यूइंग मोड है। ड्यूल व्यूइंग मोड में आप देख सकते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, वीडियो हम बेसिकली दो आपके जो वो होते हैं FPS उस पर रिकॉर्ड करते हैं, या तो 25 FPS या फिर 30 FPS, लेकिन इस वाले पे आपका 27 FPS पे रिकॉर्ड करता है दोनों साइड पे। तो ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, बट आप ये चेक कीजिए कि ड्यूल व्यूइंग मोड मिल रहा है और विद नॉइज़ कैंसिलेशन विद इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है, तो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है ये एक व्लॉगर्स के लिए, जो कि आप अगर सर्च कर रहे हैं अंडर 40K में तो कौन सा फ़ोन रहेगा बेस्ट आपके व्लॉगिंग, आपके जो इस प्रकार के अगर वीडियो आप शूट करते हैं मोटर व्लॉगिंग वगैरह टाइप का, तो उसके लिए ये वीडियो मतलब ये फ़ोन बेस्ट है या नहीं। इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस आपको एक बात और बता दूँ, कोई भी एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ नहीं किया जा रहा है, डिवाइस का जो इंटरनल माइक है उसी को यूज़ करके आपको वॉइस जो आपको सुनाई दे रहा है वो आप डेफिनेटली सुन पा रहे होंगे विद नॉइज़ कैंसिलेशन। दोस्तों एक सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है व्लॉगर्स के लिए कि भाई हम चलते हुए फ़ोन से अगर हम चाहते हैं कि भाई बैक वाले कैमरे पर स्विच करना, तो वो क्या फैसिलिटी इसमें है? डेफिनेटली है, मैं आपको स्विच करके दिखा देता हूँ। आपको जो साइड में ये बटन दिया हुआ है स्विच का, ऊपर देखेंगे पॉज का है, रिकॉर्डिंग है, प्लस उसके ऊपर जो पॉज का जो बटन है उसके ऊपर जस्ट एक रोटेशन है, कैमरा स्विच करने का ऑप्शन टॉगल है, तो वहाँ से आप कर सकते स्विच। देखिए मैं चलते चलते आपको चलते रिकॉर्डिंग में आपको स्विच कर, ये देखिए चलते रिकॉर्डिंग में आप स्विच कर चुके हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम फ्रंट से बैक साइड पे आ गए हैं और इमेज स्टेबलाइजेशन विद वॉइस नॉइस रिडक्शन और आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो देख सकते हैं। और आप तीनों चीज़ आप इसमें, अगेन बता रहा हूँ कि तीनों चीज़ फिर से हम स्विच कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड या फिर 1x या फिर 2x पे भी आ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शेकी करके अभी शॉट ले रहा हूँ, फिर भी देखिए इमेज स्टेबलाइजेशन किस प्रकार से बरकरार रखा है वीवो V30 Pro ने, और लोकेशन से आप थोड़ा सा इस लोकेशन का लुप्त उठा सकते हैं, JP अपार्टमेंट्स ग्रुप। तो यही था इसकी वीडियो क्वालिटी। और आप और एक प्लस पॉइंट दिखा देता हूँ दोस्तों कि इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे मतलब कई है होने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों को चाहिए होता है ना व्लॉगिंग के लिए वो चाहिए होता है हमें, देखिए दोबारा स्विच कर चुका हूँ, और जो व्लॉगिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है ना वो होता है ड्यूल व्यूइंग मोड और कैमरा स्विचिंग का मोड या फिर इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर वॉइस उसके साथ नॉइस का रिडक्शन हो अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को खास बनाता है। अंडर 40K में बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट फोन है दोस्तों, मैंने भी जब भी सोच समझ के लिया है, आप भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो क्वालिटी चेक करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी आप अगर किसी से कंपेयर करेंगे ऑनलाइन भी देख लीजिए, या फिर किसी ने लिया होगा दूसरा फ़ोन उसके अल्टरनेटिव, तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क रहने वाला है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।